2019 की सर्दी शुरू हुई थी जब पूरा विश्व नए साल की आने की तैयारी कर रहा था, तब एक महामारी ने दस्तक दी थी जिसका नाम था कोविड-19। इस वायरस ने हम सबकी लाइफ को उलट पुलट कर दिया था। हालांकि 4 साल बाद कोविड-19 महामारी समाप्त हो गई है, लेकिन वायरस अपने रूप बदल बदल कर हमारे जीवन में आज भी मौजूद है। कोरोना के नए वेरिएंट को बेहद संक्रामक माना जा रहा है और देश में अब तक करीब 1000 मामले सामने आ चुके हैं। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार एक्टिव हो गई है और सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार ने कोविड को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है और सभी अस्पतालों को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। कोविड के नए वेरिएंट JN.1 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके मामले सबसे पहले केरल और फिर तमिलनाडु में मिले थे, जिसके बाद कई अन्य जगहों पर भी संक्रमण फैलाने की बात सामने आई है। जिस रफ्तार से कोरोना के नए वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए लोगों की चिंता बढ़ गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने JN.1 को कोरोना के नए रूप में क्लासिफाई किया है। ये भारत, चीन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों में पहले ही पाया जा चुका है। लेकिन उससे पहले आइए ये जानते हैं कि कोरोना को दिसंबर का महीना इतना क्यों पसंद है। कोविड-19 अन्य रेस्पिरेटरी वायरस की तरह एक मौसमी बीमारी की तरह ही है। ठंड के मौसम में जैसे जैसे वायरस विकसित होता है, उसके नए प्रकार उभरते हैं और पिछले वेरिएंट के प्रति हमारी इम्यूनिटी कम होती है। जनरल नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला कि महामारी की पहली लहर के दौरान मौसम की स्थिति ने इम्पैक्ट किया कि वायरस कितनी आसानी से फैलता है। जैसे जैसे हम गर्मियों से सर्दियों की ओर बढ़े, तापमान गिर गया और हवा शुष्क हो गई, जिससे उत्तरी गोलार्ध के देशों में कोविड-19 की तीव्र दूसरी लहर में योगदान हुआ। चाइना के सिचुआन इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने भी इसकी पुष्टि की। उनके अध्ययन में पाया गया कि ठंडी परिस्थितियों में रहने वाले प्रतिभागियों में नियंत्रित गर्म परिस्थितियों में रहने वाले प्रतिभागियों की तुलना में कोरोना वायरस से संक्रमित होने की अधिक संभावना है। नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर्स में दिसंबर एक हॉलिडे सीजन है, जहां साउथ में क्रिसमस और वहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के देशों जैसे कि चाइना में जनवरी में ल्यूनियर न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, जिसने इस वायरस को स्प्रेड होने में शायद मदद की होगी। 2023 में ट्रैवल अब फिर से प्री पैंडेमिक लेवल पर आ चुका है, जिससे संक्रमण फिर से तेजी से फैलने में हेल्प कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रैवल एक एग्रेवेटिंग फैक्टर हो सकता है, ना कि मेन रीजन। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट और सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अनिल बंसल के मुताबिक कोविड का वायरस लगातार म्यूटेंट करता रहता है और नया वेरिएंट आ जाता है। वर्तमान में कोविड का नया सब वेरिएंट JN.1 तेजी से फैल रहा है और इस वेरिएंट में फीवर, गले में खराश, खांसी और हेडेक मेन सिम्टम्स हैं। अगर लोग इसे लेकर सावधानी नहीं बरतेंगे तो हालात भयावह हो सकते हैं। देश में जनसंख्या ज्यादा है और ऐसे में इसके फैलने का खतरा भी ज्यादा है। हालांकि अगर एहतियात बरती जाए तो इसे वक्त रहते कंट्रोल किया जा सकता है। नए वेरिएंट का असर लोगों की इम्यूनिटी के अनुसार अलग अलग तरीके से होता है। हालांकि जो लोग पहले से ही किसी संक्रमण या गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए कोविड का नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये भी कहा गया है कि ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ये वेरिएंट कम डेंजरस है। हालांकि लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। कोविड के नए वेरिएंट से बचने के लिए लोग भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, शादी विवाह या अन्य पार्टियों में शामिल होने से बचें और लोगों से हाथ ना मिलाएं। समय समय पर साबुन से अपने हाथ धोएं और किसी भी चीज को छूने के बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इससे आपको वायरस से बचने में मदद मिलेगी। बाहर निकलते वक्त मास्क लगाएं ताकि वायरस हवा के जरिए आपको संक्रमित ना कर सके। अगर किसी व्यक्ति को कोविड के लक्षण नजर आए या फिर कोविड से संक्रमित हो तो उसके संपर्क में आने से बचें। अगर संपर्क में आए तो तुरंत अपनी जांच करवाएं। कोविड के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपना इलाज कराएं। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड्स दवाएं लेना खतरनाक हो सकता है। आने वाले साल में ये वेरिएंट
कितना खतरनाक होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जितना हम कर सकते हैं वो सारे प्रिकॉशंस हम करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करें, स्वस्थ रहें और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ें। स्क्रीन में आने वाले बारकोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी।